हेलो फ्रेंड्स, आज हम आटे की बहुत ही स्पेशल डिश बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने बाटी तो ज़रूर खाई होगी और मसाला बाटी भी खाई होगी, लेकिन आज हम बाटी में एक अलग ट्विस्ट लेकर आए हैं। आज हम बनाएंगे नमकीन और कुरकुरी बाटी। तो आइए देखते हैं हमारी न्यू और स्पेशल डिश कैसे बनाएं। बाटी की स्पेशल डिश नमकीन बाटी बनाने के लिए हमने दो मीडियम साइज़ के बाउल में गेहूं का आटा लिया है, हाफ बाउल सूजी ली है, एक छोटी कटोरी बेसन, एक छोटा चम्मच हाजी का फूल, लहसुन का पेस्ट, 5-7 खड़ी लाल मिर्च ली है हमने। लाल मिर्च को जैसे हाथ से कूटते हैं ना, सेम वैसे ही ग्राइंडर में पीसा है हमने, ज़्यादा बारीक नहीं किया है। 20 ग्राम कटा हुआ फ्रेश धनिया लिया है, एक छोटा चम्मच नमक, एक कटोरी तेल, एक छोटा चम्मच जीरा, एक छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और एक छोटा चम्मच अजवाइन ली है। बाटी का डो तैयार करने के लिए हम एक बर्तन में आटा, सूजी, बेसन, कुटी हुई लाल मिर्च, जीरा, काली मिर्च पाउडर, अजवाइन, हाजी के फूल, हाजी के फूल की जगह आप मीठा सोडा भी ले सकते हैं, लहसुन का पेस्ट, एक छोटा चम्मच नमक, धनिया, एक चुटकी हींग, ये सब ऐड करके अब अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें तेल डाल देंगे एक कटोरी, ताकि बाटी सॉफ्ट बने। अब हम तेल को अच्छे से मिक्स कर देंगे और डो तैयार करने के लिए एक ग्लास में पानी ले लेंगे। पानी को इस तरह से धीरे धीरे ऐड करेंगे। हाफ ग्लास वाटर हमने यूज़ किया है डो बनाने के लिए और हमारा डो बिल्कुल रेडी है। अब हम राउंड शेप में इस तरह से बाटी बना लेंगे। ये देखिए, एक और बना के दिखाते हैं। ऐसे ही राउंड शेप में हम सारी बाटी तैयार कर लेंगे। अब हमने गैस पर इडली पॉट चढ़ा दिया है। अब इडली पॉट की जो सबसे नीचे वाली लाइन दिख रही है ना, वहां तक हम पानी भर लेंगे। अब हम गैस ऑन कर देंगे और आंच मीडियम रखेंगे
और इडली प्लेट्स में इस तरह से बाटी रखकर प्लेट्स रख देंगे। दोनों प्लेट्स रख दिए हमने, अब इन्हें ढककर 15 मिनट तक बॉईल होने के लिए रख देंगे। बीच में ढक्कन उठाकर एक बार हम देख लेंगे, अगर बाटी ऊपर से अच्छे से पक गई हो तो फिर हम इन्हें पलट देंगे ताकि दूसरी साइड से भी बाटी अच्छे से पक जाए। अब हम 5 मिनट और बाटी को ढककर पकने के लिए रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम गैस बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारी नमकीन बाटी बिल्कुल रेडी है। अब हम इन्हें अलग एक बर्तन में निकाल देंगे क्योंकि अभी और कुछ करना भी बाकी है। अब हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ा ली है और कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल इतना ज्यादा इसलिए डाला है क्योंकि हमें बाटी को फ्राई जो करना है। अब हम तेल को गर्म होने के लिए रख देंगे। अब जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक हम बाटी को कट कर लेंगे फ्राई करने के लिए। अब हमारा तेल भी गर्म हो गया है और बाटी भी हमने कट कर ली है, तो अब हम इन्हें फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डाल देंगे। ध्यान रखें जब हम बाटी फ्राई करेंगे आंच मीडियम रखेंगे। बाटी को गोल्डन ब्राउन होने तक हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारी एकदम कुरकुरी सी नमकीन बाटी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपने बाटी तो जरूर खाई होगी बहुत बार, लेकिन ऐसी कुरकुरी और नमकीन बाटी पहली बार खाएंगे आप। ये कुरकुरी सी नमकीन बाटी आप चटनी और सॉस के साथ खाइए और हमारी रेसिपी एंजॉय कीजिए। ये जो टेस्टी सी चटनी हम हमेशा बनाते हैं, इसकी रेसिपी अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और इसी तरह की हमारी नई नई टेस्टी टेस्टी रेसिपीज देखने के लिए YouTube पर शेफ बबीताज कुक हाउस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।